वहाँ बार बार फाटक बंद होने के कारण बहुत जाम लग जाता है, कई बार एम्बुलेंस फंस जाती है, कोई रोगी जाते हैं लेके तो शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती है, इतनी दुर्घटनाएं होती है वहाँ आए दिन। Make no compromise in your child's education. Join the number one school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open, pre-nursery to class 9. आज हमने अजमेर जिला कलेक्टर महोदय से हमारे जो डीएवी कॉलेज की फाटक है वहाँ बार बार फाटक बंद होने के कारण बहुत जाम लग जाता है, कई बार एम्बुलेंस फंस जाती है, कोई रोगी जाते हैं लेके तो शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती है, इतनी दुर्घटनाएँ होती है वहाँ आए दिन, सबको जल्दबाजी रहती है निकलने के लिए। तो उसके लिए हमने ज्ञापन दिया साहब को कि कलेक्टर साहब को कि हमारे यहाँ पे जो ब्रिज बनना है उसका निर्माण कार्य शुरू होने में भी थोड़ा समय है, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पे एक अंडरपास का निर्माण हो रखा है वो हमें चालू करवा दिया जाए और भारी वाहनों का प्रवेश जो कर रहे हैं उन्हें रोका जाए। इसके लिए हमें कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हमारी जो मांग है उसको पूरा करेंगे और प्रशासन ने हमारा सहयोग करा, इसलिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। दिलावर चौहान, कोषाध्यक्ष, भाजपा आदर्श मंडल। अगर जल्दी पूरा नहीं होता है तो फिर क्या रहेगा? जल्दी पूरा नहीं होता तो आम जन में आक्रोश है, कोई आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, बहुत जाम रहता है। कई बार परसों ये भी बहुत एम्बुलेंस दो दो घंटे जाम रहता है, स्कूलें भी ओपन होने वाली, बहुत ज़्यादा आगे समस्या आने वाली है। इसके लिए हमने मांग करी है कि कुछ ना कुछ का निवारण करें, एक अंडरपास है उसको ओपन करा दे तो कम से कम टू व्हीलर निकल पाए। नाम बताइए। दिलावर चौहान, कोषाध्यक्ष, भाजपा आदर्श मंडल, वार्ड 35 प्रभारी।